हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स वाला। और फिर से मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ। और आज की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू करेंगे, कल जो आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास हुई थी जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, उसी की ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पिछले साल आए हुए हैं जीडी के एग्ज़ाम्स में, और अलग अलग टाइप के हैं जो हमने पिछली जो क्लास है उसमें कवर नहीं किया था। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे हमें सपोर्ट मिलेगा, और अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और भी रेगुलर क्लासेज और भी सब्जेक्ट के लेकर आते रहेंगे। सो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफिकेशन में एक ये इक्वेशन दी हुई है, और अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखिए जनरली तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है अगर होगी तो आपने पिछले वाली क्लास अटेंड की है, तो ऐसी इक्वेशन आई थी जिसमें तीनों ब्रैकेट होंगे, प्लस माइनस गुणा भाग थे। लेकिन एक जो यहाँ पर अलग चीज़ आई है वो ये आई है कि ये जो बार का चिन्ह लग रहा है, मतलब जो ऊपर दो अंकों के ऊपर जो लाइन है इसे हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए इस लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर इस लाइन को सबसे पहले सॉल्व करना है, जहाँ पर भी ये लाइन है उस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में बोर्ड मास का नियम लागू होगा। वैसे तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं, बी ब्रैकेट अगर ऑफ लगा हुआ है फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एड, और जो है इस तरीके से सिक्वेंस चलता है। लेकिन अगर ये बार का चिन्ह लगता है तो ये बोर्ड मास के नियम से भी पहले सॉल्व होगा, मतलब पहले बार फिर ब्रैकेट फिर ऑफ उसके बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, अब एक और कंफ्यूजन होता है कि ये बार जो है इस तरीके से दो तरीके से आता है, जैसे यहां पर अभी है माइनस सिक्स प्लस थ्री ये है, और ये बार का चिन्ह यहां पर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये चिन्ह का मतलब अभी आपको ये माइनस के ऊपर नहीं है ना, तो आपको माइनस को इस बार के अंदर कंसीडर नहीं करना है, इसको बार के अंदर नहीं लेना है, आपको जो लेना है केवल सिक्स प्लस थ्री लेना है, क्योंकि सिक्स प्लस थ्री के ऊपर ही ये बार है। अगर ये इस तरीके से होता माइनस सिक्स प्लस थ्री और इसके ऊपर ऐसे बार होता तो आपको यहां पर इस चिन्ह को लेना होता है, लेकिन यहां तक ही है तो आपको केवल छह तीन को ही सबसे पहले सॉल्व करना रहेगा, माइनस का चिन्ह इसमें कंसीडर नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए छह प्लस तीन नौ, ठीक है, आठ माइनस के नौ, देखिए ये मैं आपको लिख रहा हूं, आपको तो कैलकुलेशन यही करनी है, आठ माइनस नौ करेंगे कितना बचेगा माइनस का वन, ठीक है। अब यहां तक ले लेता हूं मैं, चार माइनस और इस ब्रैकेट का आया है माइनस वन, देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों आपस में क्या है गुणा में, ये दोनों क्या है आपस में गुणा में, और जब माइनस गुणा माइनस होता है तो चिन्ह किसका आता है प्लस का, इसी तरीके से अगर प्लस गुणा प्लस होगा तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, अगर माइनस गुणा प्लस या फिर प्लस गुणा माइनस आएगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। एक लाइन इसमें याद रख लीजिए, जब भी समान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा, और अगर असमान मतलब अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो भी प्लस, सेम चिन्ह है, ठीक है। प्लस माइनस या माइनस प्लस गुणा होंगे तो उसमें किसका चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। यहां पर देखोगे तो चार माइनस का और ये ब्रैकेट में आया माइनस वन, माइनस माइनस गुणा होके प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा पाँच, यहाँ तक का आया है पाँच, ठीक है, ओके। आगे चलिए बात करते हैं, फिर से वही देखिए, यहाँ तक लेते हैं तो सेवन माइनस और इस ब्रैकेट का आया आपके पास में पाँच, अब देखिए ये पाँच प्लस का है और बार माइनस का, तो माइनस प्लस गुणा होंगे तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा माइनस का, कितना आ गया दो। अब यहां तक ले लीजिए, 20 माइनस और इस ब्रैकेट का मतलब कितना आया, इस ब्रैकेट का मान दो, तो यहां पर आंसर निकल के आएगा आपका 18। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको तो सीधा यहां तक लिखना है, देखिए 6 और 3 9, 8 माइनस 9 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 7 में से 5 गए 2, 20 में से 2 गए तो आंसर आपका आ गया 18।
18। इस तरीके से ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है। चाहे आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। इसमें देखिए आपको मिश्रित भिन्न दी गई हैं, तो सबसे आपको दिख रहा नहीं होगा, अभी ठीक है। मिश्रित भिन्न दी गई हैं, तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई और चीज़ जैसे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से होता है तो वो भी अपन छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके का 1/9 है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नीचे वाली संख्या गुणा होती है, इधर जुड़ जाती है। तो 9 को 1 से गुणा किया, 9 और 1 10, तो ये जो भिन्न आएगी वो 10/9 निकल के आती है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, 9 और 1 10/9 गुणा 20 और 1 21/20 डिवाइड 21/38 है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली भाग को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, गुणा में, और ये भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, और माइनस के 1/3। ये पहला ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके गुणा में भी है 3/8, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। 21 से 21 कैंसिल, ये दो बार, ठीक है। और किससे कटेगा, नहीं कट रहा, इससे काट देते हैं 19 बार। तो यहाँ पर 19/9 माइनस 1/3 आया, और गुणा में क्या है, 3/8 है। ऐसे अब लीजिए 27, यहाँ पर आया 57 माइनस 9 गुणा 3/8, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 48/27 इंटू 3/8। ये 6 बार, ये 9 बार कट गया, 3 से काटो ये कटा 2 बार, और ये 3 बार। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 2/3 आएगा। मैं फिर से आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको इसमें से ये वाली स्टेप गायब कर देनी है, ठीक है। ये वाली स्टेप गायब कर देनी है आपको, डायरेक्टली इनमें से भी जो कट रहा है वो डायरेक्टली काट देना है। 10/9 यहीं पर, 10/9 इंटू 21/20 डायरेक्ट गुणा करेंगे आप 38/21, तो यहीं पर आपको काट देना है, ये सब कुछ आपको यहीं पर काट देना है, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ तक का आपका आंसर आ गया है 2/3, इसको मैं साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2/3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, देखिए 2/3 इन भाग 3/4 गुणा 5/9। ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, अब यही सॉल्व होगा। पहले ऑफ नहीं कि अब आप इसको सॉल्व कर दें, नहीं, पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, 9 × 4 = 36, ठीक है। या फिर इसको काट लीजिए, 3 से ये 3 बार कट गया, तो 5/12 हो गया, ठीक है, 5/12। और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये भिन्न बदल जाएगी, ठीक है। ये कट गया 4 बार, तो 8/5 इसका ब्रैकेट का आंसर आ गया, माइनस 8/5 डिवाइड है, तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये कितना आएगा, 15 और 1 16/5 आएगा, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद में 5/16 हो जाएगा। प्लस में कितना है, 6 और 1 7/6, ठीक है। इतना समझ में आया, 5 से 5 कैंसिल, ये कट गया 2 बार, 2/3 माइनस 1/2 प्लस 7/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 4, 3 और ये 7, यहाँ पर कितना आ गया, 8/6 सॉल्व करेंगे तो 4/3। और ये इस तरीके से आंसर आ नहीं रहा है, तो इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 सही 1/3 आपका ए राइट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी किया है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको 2/3 हो गया, फिर इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 8/5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 × 3 = 15 और 1 16/5 आएगा, लेकिन ये भाग था तो इसको मैंने गुणा में कन्वर्ट कर लिया। 16/5 क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 5/16 में, और ये तो 7/6 है ही,
उसके बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद में अपन ने मिश्रित भिन्न में अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एसएससी जीडी में देखने के लिए मिलेंगे और ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2021-30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इस तरीके के आपको क्वेश्चंस अभी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मतलब ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहती है लेकिन फिर भी अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपका पूरा जो है सवाल गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सजा कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस आ गया और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये प्लस और माइनस जहाँ पर भी आता है वो एक तरीके से समीकरण को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कीजिए, देखिए 3 × 5 है तो 5 × 3 हो गया 15 और 15 में 2 का भाग दिया तो 15/2, ये तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी हम सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 2 + 2x / 1 - x, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए आप, 1 - x एक है तो एक का कोई फर्क पड़ता नहीं है भाग देने पे, तो यहां पर ये डायरेक्टली गुणा हो जाएगा तो 2 को 1 से गुणा किया 2 - 2x, 1 - x का 1 - x में एक बार भाग, 1 को 2x से गुणा किया तो 2x, ठीक है। ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है तो ये तो कट जाएंगे तो आंसर आ गया अपना 2/1 - x, यहां तक का सॉल्व हो गया। अब यहां तक का लेते हैं, देखिए 1 + 12/2 / 1 - x, यहां पर अगर देखेंगे आप तो एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न आ गई है, ठीक है ना, हर के स्थान पर क्या है एक भिन्न है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 1 + 12 और ये भिन्न मल्टीप्लाई में उल्टी हो जाएगी, मतलब 2/1 - x की जगह 1 - x/2। किस तरीके से, देखिए इस बटे का जो चिन्ह है, डिवाइड का जो चिन्ह है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई, भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये गुणा के चिन्ह को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये भिन्न को हम उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये तो हो गया इसका डिटेल रूप, यही तो लिखा है हमने। और इसको अगर आप इतनी डिटेल में ना करके शॉर्ट में करना चाहें तो आप इस तरीके से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कि बटे के नीचे जब भी भिन्न आती है, भिन्न के हर के स्थान पर भिन्न होती है तो वो भिन्न मल्टीप्लाई में उल्टी होकर ऊपर गुणा में हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, यहां से आप देख लीजिए, इससे काट दीजिए 6 और 6 को इससे गुणा करेंगे तो 1 + 6 को 1 से गुणा किया 6 + 6 को x से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह और यहां पर 6x, यहां पर सॉल्व करेंगे 7 - 6x, ये इसका आंसर आ गया यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऊपर है तो 3x / 7 - 6x हो गया कि नहीं भाई, इस पूरे का आंसर अपने पास में कितना निकाल लिया आपने, ये पर निकाल लिया 7 - 6x, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। तो ये जो अपने 15/2 तो आ ही गया था, प्लस में क्या आ गया आपने 3x / 7 - 6x बराबर में क्या है, तो इस मिश्रित भिन्न को सॉल्व कर लीजिए 25/2, ये आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा पीछे जाकर इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको पक्षांतरण करिए, देखिए ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस है तो माइनस का, माइनस होता है तो प्लस में, गुणा होता है तो भाग में, भाग होता है तो गुणा में, तो इस तरीके से पक्षांतरण होता है। अभी ये 15/2 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, ये देखिए तो 25 में से 15 गए 10/2 और यहां पर आ गया अपना आंसर 5, ठीक है। तो ये सबको हटा देता हूं, आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं हम 5, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको। ये भाग में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 3x = 5 7 - 6x, गुणा कीजिए 3x = 35 - 30x, 30x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये किसका है, माइनस का, तो 3x + 30x = 35, आपको इतनी सारी स्टेप नहीं करनी है,
तीस और तीन कितने हो जाएंगे, 33x बराबर 35। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, x का मान ज्ञात करना था, तो x के साथ में क्या गुणा है 33, तो 33 गुणा में है तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर 35/33। कौन सा ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, 3/7 डिवाइड का चिन्ह कन्वर्ट हो जाएगा 7/3 में, मल्टीप्लाई है 3/7 में अपॉन 3/7। सबसे पहले इसको ही रहने देंगे क्योंकि ऑफ है, आगे चल के गुणा में 3/7 हो जाएगा ये, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और ये हो गया 49, तो इसको 49 ये भिन्न जो आएगी 9/49 आएगी, ठीक है। और भाग कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गुणा में, भाग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गुणा में, तो देखिए यहां से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर बचा 3/7, 3/7 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 49/9, ठीक है। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/7 से 3/7 कैंसिल, और अगर ऐसा नहीं करना तो आपको देखिए 7 से ये कट गया कितनी बार, 7 बार, ये कट गया 3 बार, ऊपर है 3/7, नीचे भी कितना है 7/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है आपको 3/7, और बटे के नीचे भिन्न है तो मल्टीप्लाई में भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी, 3 को 3 से 9, 7 को 7 से 49, ठीक है, 9/49। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो जैसे मैं आपको पहले वाले से बता रहा था काट कर, उसी तरीके से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 3/7 से 3/7 कैंसिल, और बटे के नीचे भिन्न है तो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी, ऊपर कितना बचा 1 और गुणा में क्या आ जाएगा 49/9 है, तो 9/49 डायरेक्टली एक स्टेप का काम है। तो इस तरीके से आपको कौन सी स्टेप काम में लेनी है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप प्रैक्टिस करते रहे, और इस क्लास के बाद में इसकी जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एग्जाम्स वाला के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ है, 2/5 गुणा 7 × 2 = 14 और 1 15/2, इससे काट दीजिए 3 बार और ये कट गया 2 बार, ठीक है, क्लियर है। यहां पर 3 आंसर आया, इसका कितना आया 3, ये कितना है 9/4, भाग किसमें हो जाएगा गुणा में, 9/4 किसमें आ जाएगा 4/9 में, काट दिया तो आंसर आ गया 3। यहां पर इस तरीके का ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका आंसर आया आपके 4/3 प्लस, आगे के ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, देखिए यहां पर ऑफ सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व कीजिए, 5 × 10 और 11/2 और ये है डिवाइड 11/3 ऑफ 6, इससे काट दिया 2 बार, ठीक है, तो यहां पर आंसर आया कितना अपना 11/2 डिवाइड बाई 22/ नीचे क्या है 1, ये गुणा में कन्वर्ट होगा तो 1/22 ये कट गया 2 बार, आंसर आया 1/4, तो 1/4 दूसरे ब्रैकेट का आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए माइनस का 3 और 1 4/3 गुणा 5/8, इससे काट रहा 2 बार, तो यहां पर आ गया माइनस के 5/6, तो माइनस के 5/6 ये लीजिए आपका, ये सवाल बन गया सॉल्व करने के बाद में, कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, ये आपने सबने पहले करी हुई है तो इसको ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं। एलसीएम लीजिए आपका कितना आता है 12, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया 10, 16 में से 10 गया बचा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, और बटे में 12, 3 से काट गया 3 बार और ये 4 बार, तो आपका आंसर आ गया 3/4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना, उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद में ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और इसको जो है क्वेश्चन को फिर रूल्स के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है।
सॉल्व करते हैं और ये इसका कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। हाँ यहां पर देखेंगे आप, ये डिवाइड का चिन्ह है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप 24/8 कितनी बार, 3 बार, प्लस में क्या है 4/5। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि ये मिश्रित भिन्न में लेना है 3 सही 4/5, आपको शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस ब्रैकेट का आंसर आया 15 19/5, ये लो ये आपका। उसके बाद में देखिए यहां पर ऑफ है, तो ऑफ सॉल्व कीजिए 2/3 × 15 और यहां पे सॉल्व किया तो 5 और ये इसका आंसर कितना आ गया आपके पास में 10। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना। फिर ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए, देखिए 36+ इसका मान आया है आपके पास में 10 − 19/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 19/5 को। अब आप सॉल्व कर लीजिए, पहले सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना होता है 10 और 36 कितना होता है 46 − 19/5 हो गए। एलसीएम लीजिए 5 या फिर 46 को डायरेक्टली 5 से गुणा कीजिए 30, 3 20 और 3 23 और माइनस के 19 घटा दीजिए इसमें से, तो बचेंगे 211। ठीक है, 211/5 इसका आंसर आ गया। अब आपको सॉल्व करना है बाहर का, तो यहां पर 42 को 5 से गुणा कीजिए 10 और 1 20 और 1 21 और 1 जुड़ेगा तो यहां पर 211/5 डिवाइड बाय 211/5। अब आप 211/5 में 211/5 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो 211/5 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, भिन्न हो जाएगी उल्टी, 211 से 211 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाह रहे इसको तो आप इसको कर सकते हैं 211/5 और बटे में 211/5 मल्टीप्लाई होगा 211/5, भिन्न हो जाएगी उल्टी 5/211, यही आंसर आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से, जब अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसको आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और पार्ट में डिवाइड करने के बाद में सॉल्यूशन करना है, आपका इजीली तरीके से जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और वो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन आती नहीं है लेकिन बाई मिस्टेक कन्फ्यूजन के कारण कोई अंक दिखाई नहीं देता या उसको हम जो है गलती से भूल जाते हैं, तो इस तरीके के इन क्वेश्चनों में जो है गलती होती है। बाकी कैलकुलेशन ज्यादा आपने देखा ज्यादा हार्ड नहीं है, सब कुछ क्रॉस हो रहे हैं, सब कुछ जो है कट रहे हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आएगा। ये एक क्वेश्चन है जो जीडी की 2021 की ही एग्जाम में आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये चल रही है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और ऐसे करते करते 1/21 तक, तो ऐसा अगर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको एक जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जो आपको इन्हीं 3 स्टेप में निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिए, 1 में से 1 − 1/2 तो यहां पर एलसीएम लेंगे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 − 1 आपका आंसर आ गया 1/2, तो इसका निकल के आया 1/2 आंसर। ठीक है, समझते चलिएगा 1/2। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर है 1 − 1/3, ठीक है, तो एलसीएम 3, 3 − 1 कितना आ गया 2/3। ठीक है, ब्रैकेट में है तो गुणा में है, और अगर आप उसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, देखिए मैंने आपको बताया था 1 + 1/3 होता है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना, 1 सही 1/3 मान लेना है, मतलब नीचे से गुणा करना है 3 × 3 और 1 जोड़ देना है, 4/3 आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस हो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट है, बस प्लस की जगह माइनस, भाई यहाँ तो आपको गुणा करना ही है और यहाँ पर प्लस कर देना है 3 × 3, 3 में से गया तो 2/3
बात आई समझ में? इसी तरीके से अगर 1 माइनस 1 अपॉन 2 से, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 2 में से 1 गया, 1 1 बटे 2। और कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 4 है, 4 को 1 से गुणा किया, 4 और 4 में से 1 गया, तो 3 बटे 4। बात आ गई समझ में? तो यहां पर भी कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया, 3 बटे 4। और इसको सॉल्व करेंगे इस वाली संख्या को, तो 23 में से 1 गया, तो 22 बटे 23। और सब किस में है? गुणा में। अब देखिए आपको यहां पर देखिए इस तरीके से कट रहा है ये लाइन, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसी तरीके से 4 से 4 कैंसिल, ये कटता हुआ जाएगा, कटता हुआ जाएगा, और यहां पर क्या कट जाएगा, 22 कट जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या कट रही है। एक बार दोबारा देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, 1 बटे 2, 2 बटे 3, 3 बटे 4। आगे क्या आएगा, जैसे यहां था 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो 5 में से 1 गया, 4 बटे 5। 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो यहां पर क्या आएगा, 5 बटे 6, तो 5 बटे 6। इसी तरीके से क्या आएगा, 6 बटे 7, 7 बटे 8, और ऐसे करते 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 कहां तक आएगा, 21 बटे 22। ठीक है ना, और 22 बटे 23 ये आपके सामने है ही, इस तरीके से आएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 से इस तरीके से तिरछी लाइन कट रही है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, इसी तरीके से 21 से 21 और 22 से 22। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 23। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल इसको समझना है, और केवल आपका चुटकियों में आंसर आता है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये फिर से वही 12 वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए 6 माइनस 4 करेंगे, 2, 6 में से 2 गया तो यहाँ बचा, देखिए यहाँ 12 माइनस में नहीं है, यहाँ तक, यहाँ तक है, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 20 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास में, 14, और 72 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 8, और ये 6 में से गया 5, 58। इस तरीके से केवल आपको इतनी सी कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से आपको पेन नोट लगाने की जरूरत नहीं, आपका इजीली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको लॉजिक वाला क्वेश्चन है। लॉजिक वाला कैसे क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ऊपर तो केवल 1 है, और नीचे कितना है, 3 गुणा 4, फिर प्लस, फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 गुणा 5, फिर प्लस, फिर 5 से स्टार्ट होता है 5 गुणा 6, फिर प्लस इसी तरीके से 6 गुणा 7, फिर इसी तरीके से 7 गुणा 8, और ऐसे करते करते 1 बटे 20 गुणा 21, ये आपका आंसर आ रहा है। बात आ रही है ना समझ में? अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, हम एक एक अंक को लेकर चलते हैं। देखिए अगर ऊपर ऊपर क्या है, सबसे पहली चीज तो देखिए ये 1 बटे 12 होगा, और 1 बटे 12 बहुत छोटी संख्या होती है। दूसरी चीज यहां पर देखिए सीक्वेंस देखिए, आप यहां पर 3 और 4 अंतर 1 का है, और ऊपर भी अंतर कितना है, 1 लिखा हुआ है, मतलब अंतर नहीं 1 लिखा हुआ है। यहां पर भी देखोगे 1 और यहां पर भी 1 है, यहां पर अंतर 1, ऊपर भी 1 है। तो जब भी नीचे अगर अंतर 1 दिया हुआ हो और ऊपर उनका अंतर दिया हुआ हो, तो वहां पर एक माइनस की भिन्ने जो है भिन्ने घटती हुई रहती है, एक भिन्न माइनस दूसरी भिन्न, वो कौन सी होती है, वो यही संख्याएं होती है। जैसे बात करें 1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 4 को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर आएगा एलसीएम 3 गुणा 4 12, और 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, तो 4, 3 का 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 में से 3 गया, तो 1 बटे 12, यही तो आपका आंसर आया है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो भिन्न है इनको लिखना पड़ता है 1 माइनस के 3 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, फिर यहां पर प्लस है तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, यहां पर देखोगे तो 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6, और इसी तरीके से आगे चल चलकर यहां पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहां पर 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 21, यहां पर ये माइनस में हो जाती है, 4 माइनस के 5, 5 माइनस के 6,
20 माइनस के 21। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आगे चल के ये कट जाएगा, आगे चल के ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 21, ये आपका आंसर आएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहां पर 21 3 का भाग 21 में 7 बार माइनस 21 का भाग 21 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 6/21 3 से काटेंगे ये 2 बार कट गया, 3 से कट गया ये 7 बार, तो 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लोगे, और इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको करा देते हैं। देखिए 9 × 2 = 18 और 1 19/9 ये आ गया डिवाइड बाई। अब इसको सॉल्व करते हैं आप सबसे पहले, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपने इसका आंसर ये निकाला है 12 × 1 = 13/2 माइनस 6 × 1 = 7/3 एलसीएम लिया 6 तीन बार गया भाग 2 का भाग 3 6 में 3 बार 3 को 13 से गुणा किया 39 2 बार 7 को गुणा किया 14 कितना निकल के आया 25 ठीक है 25 निकल के आया 25/6 ये लिए 25/6 नीचे इधर क्या है यहां पर है माइनस के 2/3 गुणा और इस ब्रैकेट का मान तो आपने निकाल ले लिया इससे काट दीजिए 3 बार 3 को 3 से गुणा किया 9 तो आपका आंसर आया 25/9 किसका माइनस का यहां तक का और आगे क्या है आगे है ये 18 और 5 कितने होते हैं 23/6 ठीक है 23/6 इसका आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा 18 3 से गुणा किया 6 को 6 का भाग 18 में 3 बार 3 को 23 से गुणा किया तो यहां पर कितना आ गया 69 आ गया ठीक है ना 69 9 का भाग 18 में 2 बार 2 को 25 से गुणा किया तो 50 यहां पर आपका आंसर निकल के आया यहां पर 19/18 यहां तक का आ गया आपका आंसर। अब यहां पर सॉल्व कीजिए देखिए इसका तो आपने निकाल ले लिया था 19/9 और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा गुणा में या चलिए डिवाइड और यहां पर इस पूरे का आंसर कितना आ गया आपके पास 19/18 ये आपके आंसर आया डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये भिन्न हो जाएगी उल्टी तो 9 × 2 = 18 19 से 19 आपका आंसर आया गया 2 ठीक है बात आई समझ में आता और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ये सिंप्लीफिकेशन के लास्ट क्लास थी अगली क्लास हम लेंगे और रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और 45 दिन के अंदर एसएससी जीडी का ये जो है बैच कंप्लीट कर हो जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा उसमें वो मैं बता चुका हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखें प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।